जिंदा है, दो टीमें, कौन सी टीम चिकन डिनर निकालेगी? मॉडल विद दैट M24, क्या नॉक मिलेगा? यस, वन ऑफ दैट नॉक. कंपाउंड में स्काउट के साथ अभी मॉर्टल इज फॉलिंग बैक, बट पीछे से टीएसएम एंटिटी भी है. अगर आप पीछे वाले कंपाउंड जो देखो तो तीन टीमें यहां पे ट्रायंगल बना के बैठी हुई हैं. देखते हैं कौन सी टीम कॉन्कर करेगी. फिलहाल चारों के चारों प्लेयर इकट्ठे हैं. स्काउट आई थिंक इज ट्रोलिंग ओवर हियर बिकॉज़ ये लो ग्राउंड, हां ये लो ग्राउंड हाई ग्राउंड जैसे ही अभी ट्राई कर रहे, लेकिन यूएमई भीष्मा डाउन हो चुके हैं जोनाथन के थ्रू टीएसएम एंटिटी के. एंड सोल के सांगवन को कॉल दिया जा चुका था वापस पीछे आने का, वो पीछे जा चुके थे अपनी टीम के साथ. एंड दो अलग अलग पड़ोसी बन चुके इस टाइम सोल और फनेटिक एक दूसरे के आसपास. तो देखना पड़ेगा यहां पर कोल्ड वॉर होता है या फिर प्रॉपर एक फाइट चलती है, किस तरीके से फाइट जाती है. बिकॉज पीछे ऑरेंज रॉक भी आ चुकी है, डेड आइस गाइस भी आके अपना एरिया बनाना चाहते हैं, लेकिन वहां पर इल्यूजन सर एक एचपी पर, एक मैजिक पिक्सल पर बचे हैं वो, जस्ट रुके हुए हैं वहां पर. किस तरीके से वो फाइट ले पाएंगे देखना पड़ेगा. एंटू आगे जा रहे हैं, क्या एंटू को पता चलेगा वहां पर फनेटिक है या नहीं, या फिर वो सीधा डायरेक्टली अंदर बाहर जिन कर जाएंगे, वो एक बड़ा सवाल हो सकता है. इल्यूजन सर ने अपनी हेल्थ पूरी रिस्टोर कर ली 75 एचपी तक. एंड ऑरेंज रॉक बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुके, स्काउट के बहुत क्लोज एक ग्रेनेड पड़ा, स्काउट की हेल्थ 75 एचपी से कम हुई, एक और ग्रेनेड जाता है, लेकिन ग्रेनेड अंदर जा सकता था ऑलमोस्ट. स्काउट थोड़े से बच चुके हैं अभी. फनेटिक निंजा ने ओवर एंटू को डाउन कर दिया है. फाइट शुरुआत हो चुकी है पूरी पूरी फाइट के. निंजा एक और ग्रेनेड कर रहे हैं वहां पर अपने किल को कंफर्म करने के लिए, बट क्या वो कंफर्मेशन हो पाएगी वो एक बड़ा सवाल हो सकता है. थोड़ा सा डैमेज हुआ एंटू को, बट एज ऑफ नाउ क्लॉक इज टेकिंग एंटू, रिवाइव मिलेगा नहीं ये बड़ा सवाल है. बट जोन कहां पे बनेगा, नॉर्दर्न साइड, सदर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न? ऊपर देखोगे कहां पे सदर्न साइड पर बना. एंड ये वाली फाइट फिर से जोन यहां पे जाता हुआ टीएसएम एंटिटी की साइड पे. एंड टीम तमिलाज के कंपाउंड के ऊपर भी जोन अभी है, बट यहां पे मेगा पैराडॉक्स नॉकडाउन होते हुए डेड आइस के वाडू के थ्रू, और यहाँ पे पूरी मेगा स्टार्स एलिमिनेट होती हुई. और यहाँ पे अगर आप देखोगे सोल सांगवान, उनकी 70% एचपी है, बट फिलहाल दे आर सराउंडेड बाय मल्टीपल प्लेयर्स ओवर हियर. एंड यहाँ पे निंजा के पास M24 है, स्पॉट कर रहे कोई प्लेयर दिखा तो वहाँ पे तुरंत नॉक देखने को मिलेगा, बट वहाँ पे युवम्बा के प्लेयर ने सेल्स के रॉक्स को पूरा की पूरा फिनिश कर दिया है. एंड यहाँ पे आप देखोगे वाडू सर को भी यहाँ पे नॉकडाउन कर दिया है आईएनडी ट्रांस ने, और एक ग्रेनेड के द्वारा वहां पे मार्कोस गेमिंग का भी एक प्लेयर वहां पे नॉकडाउन हुआ है. स्ट्राइडर वहां पे नॉकडाउन हुआ है, वाडू सर फिनिश करे वहां पे इस प्लेयर के द्वारा. रोच ने यहां पे गनर को नॉकडाउन करा, मैस्कज ने यहां पे फिर से नॉकडाउन करा है सोनम को. एंड यहां पे देख सकते हो जेएम का स्क्वाड, आई थिंक दे आर गोइंग गुड इन दिस मैच एज वेल, बट अभी वो एक ही मल्टीपल नॉक्स देखने को मिले. बट यहाँ पे ऑरेंज रॉक के मावी ने एक और डेड आइस के प्लेयर को नॉकडाउन करा, बट यहाँ पे टीम नंबर जो 13 है वो 13th प्लेस पे यहाँ पे जाती हुई जान मारा जो पिछले मैच में सेकंड आई थी वो इस टाइम 13 पर एलिमिनेट हो चुकी है. तो दैट मींस कि नया थोड़ा सा टीम्स देखने को मिल सकती है. ओआर मावी प्ले जोन से जाते हुए सी गॉड ने सीवी को पिक ऑफ किया, सेल्स आतंकी डाउन हो चुके हैं ऑस्टिन एक्स के थ्रू. ओआर एंटर डाउन किया फनेटिक ओवेस को, वहां पर फाइट पूरे पूरे एरिया पर छिड़ चुके हैं. एश भी आ चुके हैं फाइट के अंदर, मार्कोस गेमिंग एलिमिनेट होती है 12th पोजीशन पर 3 किल्स के साथ. फनेटिक एश दो अलग अलग टीम से फाइट ले रहे हैं, ये दिक्कत हो सकती है उनको, और वहां पर पिक ऑफ किया जाएगा. सेल्स को वहां पर एलिमिनेट किया पूरा का पूरा. सोल सांगवान भी फाइट के अंदर आ चुके, सेल्स अल्ट्रॉन डाउन हो चुके, यूएमई डेस्ट्रो डाउन हो चुके. टेड एक अलग ही डोमिनेशन में चल रहे हैं 3 किल्स के साथ इस पर्टिकुलर टाइम. ऑस्टिन एक्स ने सेल्स आतंकी को पिक ऑफ किया पूरा पूरा, और यहां पर फनेटिक एलिमिनेट होती हुई क्योंकि सोल अमन ने फाइनल नेल इन द कॉफिन दे दिया जब उन्होंने एश को पूरे पूरे तरीके से पिक ऑफ किया. बिल्कुल यहां पे सोल की टीम के पास ऑलरेडी 5 किल्स हो चुके हैं, बट दे हैव टू गो इनसाइड द जोन. बट अभी टीएसएम एंटिटी को भी यहाँ पे जोन के अंदर जाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ राइट साइड पे देख सकते हो. बट अभी डेड आइस का स्क्वाड भी एलिमिनेट होता हुआ, टीम आईएनडी ने यहाँ पे ऑरेंज रॉक के दलजीत को पूरा फिनिश करा. फनेटिक यहाँ पे पूरी फिनिश हो चुकी है. यहाँ पे टीम तमिलास के स्ट्राइकर क्या रिवाइव दे पाएंगे अपने कैरी ओपी को, बट फिलहाल यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है. वीएसजी क्रॉलर्स के सीजी यहाँ पे अपने आप को फर्स्ट एड करेंगे पहले सबसे, बिकॉज 75% हेल्थ होनी इंपॉर्टेंट है अगर आप क्लोज एनकाउंटर फाइट लेने जा रहे हो. और ग्रेनेड यहाँ पे क्रूशियल हो सकता है, बट ब्लू जोन का डैमेज लेके दूसरे रूम में जाना पड़ेगा. अगर बूस्टेड अप आप रहोगे मेरे ख्याल से फाइनल सेक्टर, बट दैट वुड बी बेटर. बट यहाँ पे ऑरेंज रॉक सातवें पोजिशन में एलिमिनेट होती हुई, टीम तमिलास के प्लेयर दे आर गोइंग गुड. बट यहाँ पे सीजी का ग्रेनेड कैरी ओपी को नॉकडाउन करा, एंड एंटो वहाँ पे फिनिश होते हुए दूसरे पार्ट ऑफ द मैप. बट यहाँ पे ईवो ऑल्सो गॉट नॉक डाउन, वीएसजी क्रॉलर रोज गॉट फिनिश्ड ओवर देयर. एंड ये मोलोटो बैक टू बैक थ्रोएबल्स का बेहतरीन उपयोग यहाँ पे करते हुए टीम तमिलास के प्लेयर सोल सांगवान एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नॉक निकाला है. बट स्ट्राइकर यहाँ पे नॉकडाउन होता हुआ सीजी, और मेरे ख्याल से ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग ओवर देयर. बट वीएसजी क्रॉलर भी यहाँ पे पूरा फिनिश हो चुके हैं, और दैट वॉज अ
वन हेल ऑफ अ फाइट ओवर देयर, बट यहां पे ट्रांस को नॉक डाउन करा मेरी कल से सांगवान ने वापस से बिल्कुल, और वहां पर टीएसएम एंटिटी नियो डाउन हो चुके हैं, सोल अमन आ चुके हैं फाइट के लिए, उन्होंने डाउन किया काफी प्यारे तरीके से, क्या सोल ये टीम ये मैच निकाल कर लेकर जाएगी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। सांगवान डाउन किए जा चुके हैं, जी गॉड फाइट के अंदर आए थे, अमन ने थोड़ा सा डैमेज दिया है जी गॉड को, लेकिन एज ऑफ नाउ शॉट्स कनेक्ट नहीं हुए। बाद में सोल वाइपर एक अलग ही डोमिनेशन पर आ चुके हैं तीन किल्स के साथ, सोल वर्सेस सिनर्जी वर्सेस रेवन वर्सेस टीएसएम, जी गॉड भी डाउन हो चुके हैं जैसे ही बोला गया, जोनाथन यहां पर बचते हैं लेकिन जोनाथन सर्कल के बाहर है इस पर्टिकुलर टाइम, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं किस तरीके से वो फाइट्स अपने पास ले सकते हैं। ये मैच टीएसएम एंटिटी के हाथ से थोड़ा सा निकलता हुआ और सोल के हाथ में आता है, सिनर्जी के हाथ में आता है और रेवन के हाथ में आता है, तो देखना पड़ेगा कौन सी टीम यहां पर फाइनल में चिकन डिनर लेकर जाती है। बट जोनाथन को आप देख सकते हो ही इज डूइंग हील बैटल, बट मेरे ख्याल से कोई करने का फायदा नहीं बिकॉज तीनों टीम्स थोड़ी ज्यादा दूर है, आपको एक क्लोज एनकाउंटर फाइट नहीं हो सकती है। जोनाथन विल बी कमिंग बैक आउट ऑफ दैट कंपाउंड और देखते हैं ब्लू जोन के अंदर कितनी जल्दी आएंगे, बट आठ बैंडेजेस बची हुए, सिर्फ प्रोन डाउन है, क्या किल यहाँ पे वो ले पाएंगे? यस, सामने सांगवान अभी अभी जस्ट रिवाइव हुए थे वाइपर के द्वारा, जोनाथन किल अपना कंफर्म करेंगे, ये प्लेयर नहीं रुकने वाला, बट TSM Entity got 3 kills and 4th place over there, Mortal got that kill of Jonathan, final circle, intense moment, 3 best teams India के यहाँ पे पहुंच चुकी है, Team Tamilas, Soul Mortal, Soul Viper, Aman, Sangwan को भी यहाँ पे revive दिया जाएगा वापस से, Strider and Ted, they are the last two men standing for Synergy, कौन सी टीम निकालेगी यहाँ पे? Austin XP है यहाँ पे, उस वाले रॉक के पीछे कवर लिए थे, बट यहाँ पे Team Tamilas को पूरा के पूरा निकाला बाहर इस वाले मैच से, so this will be 4-3 situation, 7 players जिंदा है, 2 टीमें, कौन सी टीम चिकन डिनर निकालेगी? Mortal with that M24, क्या knock मिलेगा? Yes, one of that knock, क्या एक ही बुलेट यहाँ पे लगी सिर्फ Austin X को नॉकडाउन देने के लिए, बट उसी टाइम पे ब्लू जोन का भी डैमेज पड़ा, बहुत ही प्यारा चाटा था वहां पे मॉडल के द्वारा, बट यहाँ पे बैंडेजेस यूज कर रहे हैं, फर्स्ट एड यहाँ पे एक है, क्या यहाँ पे हील बैटल देखने को मिलेगी बिकॉज सोल मॉडल ही वेंट दैट डोमिनेशन, 3 किल्स वहां पे ले चुका, टेड को भी नॉकडाउन करा वापस से, लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग इन द मैच, और श्राइडर आखिरी में खत्म करेगा पूरा के पूरा। सांगवान सामने ट्री का कवर ले चुका, वाइपर आ रहा है लेफ्ट साइड से, रोटेशन आ रहा है, वाइपर को लॉकडाउन करा सांगवान, अगर यहाँ पे लॉकडाउन हुआ तो दिक्कत आ सकती है, अमन यहाँ पे जंप लिए, बट यहाँ पे ये वाला मैच निकाला।